आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs, सबके साथ 12 बजे BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs, सबके साथ 12 बजे BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो।
आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे, थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs, सबके साथ 12 बजे BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे, थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs, सबके साथ 12 बजे BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो।